हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को अपने सेबोरिक डर्मेटाइटिस का, जिसको परमानेंट डैंड्रफ भी बोलते हैं कई लोग, जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। डैंड्रफ हमारे स्कैल्प पर हमेशा रहता है, मेंटेनेंस करने से ही वो कंट्रोल में रहता है, आप उसको रोक सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो ये पूरा ठीक हो जाएगा, या अगर आपने कोई शैम्पू यूज़ कर लिया, कुछ ऑइंटमेंट लगा लिया या कोई होम रेमेडी भी यूज़ कर ली तो आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा, पर एलोपैथी का मेंटेनेंस करने से अच्छा जो भी ये मेडिकेटेड शैम्पूज वगैरह आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, वो लगाने से अच्छा आप आयुर्वेदिक यूज़ करें। क्योंकि मैंने 2017 में जो वीडियो लगाई थी वहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। आप खुद उस वीडियो पर जाकर कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों का सेबोरिक डर्मेटाइटिस उस रेमेडी से कंट्रोल हुआ है। और उसमें मैंने ऑनेस्टली सब कुछ बताया था, मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मुझे सेबोरिक डर्मेटाइटिस 2014 से है और ये रेमेडी मुझे 2017 में पता चली। तो मैंने ट्राई करा इसे एक दो बार और मुझे रिजल्ट्स मिले थे, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करा। उससे ना बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगा। और अभी मेरे से लोग सिचुएशन पूछ रहे थे कि इतने सालों के बाद क्या है, 17 में मैंने वीडियो बनाई थी, 14 से ये प्रॉब्लम है, केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था, इस वजह से हो गई थी, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ केराटिन की वजह से ही लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को वैसे भी हो जाता है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपना स्कैल्प दिखाना चाहती हूँ। आज है ट्यूसडे, मैंने शैम्पू करा था, कब करा था मैंने, वेंसडे को करा था कि नहीं, फ्राइडे को करा था। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिफ्थ डे है और रेगुलर शैम्पू यूज़ करा था। 2022 चल रहा है, 21 में एक दिन भी मैंने वो रेमेडी यूज नहीं करी है, क्योंकि मैंने मेंटेनेंस इतने सही तरीके से करा है। या तो मुझे लगता है कि मैंने ना इतना ध्यान देना, मतलब इतना सोचना, कई लोग क्या करते हैं स्कैल्प पर ऐसे हाथ फेरते रहते हैं, देखते रहते हैं सारे टाइम, उनको आदत होती है, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, कहाँ है डैंड्रफ, ऐसे 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 झाड़ना स्टार्ट कर देंगे देखने के लिए कि अरे थोड़ा सा तो डैंड्रफ निकल, थोड़ा सा तो, और ऐसे कर करके ना स्कैल्प में से जो वो स्किन होती है ना वो निकल जाती है, जो ड्राई स्किन होती है, फिर उनको लगता है अरे डैंड्रफ तो अभी भी है। तो मैंने 2021 में, थोड़े से बाल ठीक कर लेती हूँ, 21 में एक बार भी ये रेमेडी यूज़ नहीं करी थी। तो रेमेडी पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपको नीम यूज़ करना है, बोराक्स यूज़ करना है, बोराक्स और टंकण भस्म, सुहागा सेम चीज़ होती है। आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर अगर आपको बोराक्स नहीं मिलता है, आपको सुहागा नहीं मिलता है, आप टंकण भस्म बोलिए, ये आयुर्वेदिक नेम है। और आपको 5 या 10 रुपए का सेशन मिल जाएगा, एक बॉटल भी मिल जाएगी जो 40-45 रुपए की मिलती है, या ऐसी आती है 100 से कम की आपको मिल जाएगी। और ये बहुत बेनिफिशियल रहता है आपके डैंड्रफ के लिए, सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए। और जो लोग डैंड्रफ से भी परेशान है, आप ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आप प्लीज़ ये सब कुछ भी जो आते रहते हैं ना, लेमन लगा लो, कपूर लगा लो, नारियल तेल में ये कौन सा वो एस्पिरिन मिलाकर लगा लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये नींबू रगड़ते रहते हैं अपने स्कैल्प पर, नहीं होगा कुछ, ठीक है। अगर आप ये रेमेडी भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ना, रेमेडी प्लीज़ आप वो वीडियो चेक ज़रूर करो, वीडियो देख लो, यहाँ पर आई बटन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वीडियो बहुत ज़रूरी है, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी, चेक कर लेना, वो ट्राई करो, रिलीफ मिलेगा। और अगर विश्वास नहीं है तो कमेंट सेक्शन देख लेना कि कितने लोगों को आराम मिला है, कितने लोग खुश है उस रेमेडी से। अगर आप वो रेमेडी यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि 4-5 इंग्रेडिएंट्स है, या जैसे ठंड आ गई, ठंड में तो मैंने बिल्कुल भी यूज़ करने का मुझे मन नहीं करता, और किस में तो मैंने करा ही नहीं, और तब भी देखिए मेरा स्कैल्प इतना हेल्दी है, मेरे बाल ये जो आप देख रहे हैं, क्वालिटी आप देख सकते हो, मैंने कुछ भी ब्लो ड्राई स्ट्रेटनिंग कुछ नहीं करी है, हेयर फॉल वगैरह कोई इशू नहीं है, डैंड्रफ नहीं है कहीं पर भी, थोड़ा बहुत कभी कभी आ जाता है। तो मेंटेनेंस के लिए ना एक जो शैम्पू उसका आता है ये कैराग्लो एडी, ये रख लो कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा डैंड्रफ आ रहा है, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से होता क्या ना, ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से आपके ये जहाँ पर भी बाल है, जैसे आईब्रोज पर ही अगर आ गया तो यहाँ पर एक्ने आ जाएंगे, आपके फोरहेड पर एक्ने आ जाएंगे, जिसके अपर लिप्स है, यहाँ चिन पर बाल है वहाँ पर भी दाने आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप ये रेमेडी यूज़ नहीं कर पाओगे, या विंटर्स आ गई है, तो थोड़ा सा अपने रेगुलर शैम्पू में, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं XYZ, उसमें ये एक ड्रॉप, या अपने बालों के हिसाब से जितने लंबे आपके बाल हैं, वैसे तो स्कैल्प पर ही लगाना होता है, तो मैं ना इतना सा, जस्ट इतना सा ये शैम्पू मिक्स कर देती हूँ अपने रेगुलर शैम्पू में और यूज़ कर लेती हूँ, तो ठीक रहता है उससे। पर थैंकफुली मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसकी, जो रेमेडी थी मैंने 2017 में रेगुलरली यूज़ करा उसे, हफ्ते में एक बार, और 6 महीने के बाद मैंने 15 दिन में एक बार यूज़ करा, या 10 दिन में एक बार यूज़ करा,
और 18 में भी मैं ऐसे ही यूज़ करती रही। मैंने विंटर्स में जैसे 20 दिन में या महीने में एक बार यूज़ करा 18 में, और 19 में ना मैंने यूज़ करा था गर्मियों में, मॉनसून्स में भी मैंने यूज़ करा था हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार, 19 में भी हाँ यूज़ करा है। और विंटर्स में मैं क्या करती थी, जब मुझे यूज़ करने का मन नहीं करता था ना, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को लगा कर रखे, तो एलोवेरा जेल जो होता है ना, आप उस जेल को ना अपने स्कैल्प पर लगा लो और फिर वॉश कर लो आधे घंटे के बाद। अभी ये भी नहीं लगाना है तो नीम की जो पत्तियाँ होती है उसको पीस के उसका पेस्ट लगा लो स्कैल्प पर, अगर आपको सिर्फ एक एक इंग्रेडिएंट से काम चलाना है। या तो नीम ऑयल भी आप रख सकते हो, कि आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ नीम ऑयल लगा लो, हाँ, और 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद उसको वॉश कर लो। तीसरी चीज़ जो आप लगा सकते हो वो है खट्टी दही। खट्टी दही इतनी बेनिफिशियल होती है, इतने सही रिजल्ट्स आपको दिखेगी कि आप सिर्फ दही भी लगा लेंगे ना, आपके बाल तो एक तो सॉफ्ट हो ही जाएंगे, स्कैल्प से डैंड्रफ भी जाएगा। आप ये देखना ट्राई करके, आपके पास इतना टाइम नहीं है इतने इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके लगाने का, तो आप सिर्फ एक एक करके ये भी लगा सकते हैं, पर सब कुछ मिक्स करके अगर आप लगाते हैं तो आप देखिए, आज 2022 चल रहा है, मेरे स्कैल्प पर आपको कोई डैंड्रफ नहीं दिखेगा, कोई ऐसी इतनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 2014 में मुझे सेबोरिक डर्मेटाइटिस हुआ था क्योंकि मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था, और जिन लोगों का जैसे ऑयली स्कैल्प होता है तो उनका ना केराटिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मेरे नेल्स भी बहुत अच्छे हैं क्वालिटी, क्योंकि इसमें ना केराटिन काफ़ी ज़्यादा है, मेरे बालों में केराटिन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हेल्दी रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, ऑयल ज़्यादा आता है, सीबम प्रोडक्शन होता है, तो ऊपर से केराटिन ट्रीटमेंट भी करा लिया तो और ज़्यादा सीबम आ रहा, तो उस वजह से फंगल इन्फेक्शन हो गया। और मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि उसके बाद ही मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, अब जो भी रीज़न है, पर प्रॉब्लम केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही मेरे स्कैल्प पर हुई थी, या उन्होंने एक्सेसिव केमिकल यूज़ कर दिया था, और फिर मैं काफ़ी परेशान रही। मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया था, मैंने एम्स में जो इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर भी डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स यही बात आपको बोलेंगे कि आप ये मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ करो, अपना पिलो कवर चेंज करो, वो तो खैर करना चाहिए, पर मेडिकेटेड चीज़ें कब तक आप यूज़ करेंगे? ये जो शैम्पू में इंग्रेडिएंट होता है ना, ये केटोकोनाजोल जो इंग्रेडिएंट है, इससे आपकी आईसाइट भी वीक हो सकती है अगर आप इसको डेली यूज़ करते हैं, रेगुलरली यूज़ करते हैं बहुत सालों तक, तो अवॉइड करो ऐसी केमिकल बेस्ड चीज़ें। आयुर्वेदिक रेमेडी जो मैंने बताई है उसको आप यूज़ करिए, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, एक से एक प्राइवेट में भी दिखाया, अच्छे अच्छे बेस्ट डॉक्टर्स को, टॉप डॉक्टर्स को, मतलब यार एम्स है, सफदरजंग है, इतने बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर्स भी यही बोलेंगे कि ये केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ करो, ये लोशन लगा लो, जेल लगा लो, पर कब तक लगाओगे, कितना पैसा उसमें बहाओगे, नुकसान भी पता है, बालों की क्वालिटी बड़ी ख़राब हो जाती है, रफ़ ड्राई से हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, तो इतना नहीं यूज़ करना है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए एलोपैथी है, और बाकी टाइम आप आयुर्वेदिक ये रेमेडी ट्राई करिए। दूसरी बात मुझे ये बतानी है आपको कि जैसे आप कभी किसी सैलो जाते हैं, आपको स्मूदनिंग करानी है या कोई हेयर ट्रीटमेंट करवाना है, आपने हेयर स्टाइलिस्ट को बताया कि मुझे तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, तो वो आपको ना बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताने लगेंगे, और सबसे पहले बोलेंगे कि हेयर स्पा करवा लो, जिंदगी की सारी प्रॉब्लम, दुख, कष्ट, पीड़ा सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्पा करवा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, ये शैम्पू ले लो, ये रेंज ले लो, पर बस आप सुनते रहना, क्योंकि आप उनको जवाब देंगे ना तो उनके पास हर चीज़ का आंसर होगा, और वो बोलेंगे कि हम एक्सपर्ट हैं, हमें ज़्यादा पता है, पर सेबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम उन्होंने किसी के देखी नहीं, मतलब अपने ऊपर नहीं देखी, या अपने किसी घर वालों के नहीं देखी, तो उनको नहीं पता चल सकता कि ये प्रॉब्लम कितना ज़्यादा लोगों को परेशान कर सकती है, तो वो सब नहीं करवाना है। और डॉक्टर्स भी जो आपको बताए, आप इनिशियली यूज़ करिए, स्टार्टिंग में तो देखिए आपको यूज़ करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, क्योंकि जिन लोगों के जैसे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, पस बन जाते हैं सर पर, उसमें तो आपको लोशन वगैरह लगाने पड़ेंगे, और जब कंट्रोल में आ जाए, सिर्फ आपका जैसे डैंड्रफ रहता है आपके स्कैल्प पर, यहाँ पर है ना, बहुत हेयरलाइन पर भी रहता है, तब आप इस रेमेडी को यूज़ करिए। इनिशियली डॉक्टर का जो भी बता रहे हैं शैम्पू, ऑइंटमेंट्स, तब आप यूज़ कर सकते हो, और जब सिर्फ डैंड्रफ रहे, ब्लड आ रहा है, पस बन रहा है, एक्ने आ रहे हैं स्कैल्प पर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, चोटों जैसे घाव बन रहे हैं, निशान बन रहे हैं, तब आपको वो सारी एलोपैथिक चीज़ें यूज़ करनी है। जब सिर्फ डैंड्रफ रहे, डैंड्रफ की वजह से आपको एक्ने हो रहे हो आपके फेस पर, पिम्पल्स हो रहे हो, तब आप इस आयुर्वेदिक रेसिपी को यूज़ करिए।
आपको 500% रिजल्ट मिलेंगे ही। अच्छा, मैंने जो 2017 में सेबोरिक डर्मेटाइटिस की वीडियो लगाई थी वहां पर कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, जैसे कि जब हम शैम्पू कर लेते हैं उसके बाद तो स्कैल्प ठीक रहता है एक दिन तक, और फिर दो दिन के बाद जब ऑयली होने लगता है फिर डैंड्रफ दिखने लगता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या ये रेमेडी यूज़ करी सही तरीके से? जैसे मैंने बताया आप वैसे यूज़ करिए, हफ्ते में से एक बार यूज़ करिए, फिर 15 दिन में एक बार यूज़ करिए, कुछ महीनों के बाद 6 महीने के बाद आप 15 दिन में एक बार इसे यूज़ करिए, फिर आप देखिए कि क्या रिजल्ट होता है। और फिर कई लोग ये बोलते हैं कि कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, तो जितना आपके स्कैल्प पर आ जाए। आपको अपने बालों पर भी लगाना है तो आप दही लगा सकते हो, खट्टी दही, क्योंकि फिर ना ये कंडीशनर का काम करेंगे, क्योंकि नीम लगा लोगे उससे बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। और इसमें कोकोनट ऑयल जैसे मिक्स करा है, तो ये भी पूछते हैं लोग कि कोई और ऑयल मिक्स कर ले, वैसे कोकोनट ऑयल अच्छा रहता है डैंड्रफ के लिए, तो आप 1 चम्मच इसलिए उसमें मिक्स करेंगे क्योंकि थोड़ी सी कंडीशनिंग हमें मिल जाए, बाल सॉफ्ट रहे, इतना ड्राई ना, क्योंकि ना बोराक से जो सुहागा है, टंकण भस्म है, उससे भी थोड़ा सा बाल ड्राई हो जाता है और नीम से भी थोड़ा ऐसे बाल रफ से लगने लगेंगे। तो इसलिए नारियल तेल से आपको थोड़ा सा ऐसे सॉफ्टनेस लगेगा बाल में। और जो दही भी है, खट्टी दही से आपका फंगल इन्फेक्शन तो कम होगा, पर दही है तो बाल सॉफ्ट भी होंगे। और क्वांटिटी आप अपने बालों के हिसाब से रख लीजिए, सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है तो उस हिसाब से यूज़ करिए, और अगर अपने बालों पर भी यूज़ करना है तो थोड़ा सा उसे और मिला लीजिए कि एक प्रॉपर पेस्ट में। देखो, अगर आप इतना एक कटोरा पेस्ट ले रहे हो नीम का, तो उसमें एक सैशे जो 5 रुपये वाला या 10 रुपये वाला टंकण भस्म आता है वो आप मिला दो, इतना होगा, पता नहीं कितना, 5 ग्राम या 10 ग्राम पाउडर होगा, ठीक है, 5 ग्राम पाउडर मिला दो उसमें, और फिर दही मिला दो कि वो इतनी गीली ना हो जाए, आपका जो पैक है ना ज़्यादा भी गीला हो गया ना तो सर पे टिक नहीं पाएगा, तो उसमें खट्टी दही मिला दो, जैसे जो 10 रुपये वाली है, और अगर आपके घर में खट्टी दही नहीं पड़ी है तो फ्रेश दही ले आओ, उसको 4 दिन छोड़ दोगे ना बाहर, वो वैसी खट्टी हो जाएगी, जब वो एक्सपायर हो जाएगी वैसी खट्टी होनी है, तो उसको आप मिक्स कर लो, जो आपकी 10 रुपये वाली दही आती है उतनी क्वांटिटी। और तेल आप अपने बालों के हिसाब से, जैसे मैं 1 चम्मच मिला लेती हूँ, आपके बाल छोटे हैं तो आप 1/2 चम्मच मिला लीजिए। फिर ये क्वेश्चन भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा करा है कि इस रेमेडी को कब तक यूज़ करना है। 3-4 साल तक तो मैंने खुद यूज़ करा है, पिछले 1.5 साल से मैंने इसे यूज़ नहीं करा है, पूरे 2021 में 20 के सेकेंड हाफ में यूज़ नहीं करा है, क्योंकि डैंड्रफ की इतनी प्रॉब्लम आई नहीं थी, और ठंड भी आ जाती है ना तो मन नहीं करता है। पर अगर आपको लगता है ठंड में आप इस रेमेडी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो एक ड्रॉप वही कैरग्लो एडी शैम्पू मिक्स कर लो, या केटा कैरग्जोल, ये जो इन्ग्रेडियंट है उसका कोई भी शैम्पू आता है उसका 1-2 ड्रॉप अपने बालों के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से आप अपने रेगुलर शैम्पू में मिक्स कर लीजिए। और रेमेडी तो यूज़ देखिए आपको करनी ही पड़ेगी, मैंने जब 3-4 साल यूज़ करी है, तो आप भी करिए ना, 17, 18, 19, 20 कितने हो गए, 3.5 साल तो आप भी यूज़ करो, कम से कम 2 साल तो यूज़ करके देखो ना। पता होता क्या है कि आप लोग परेशान हो जाते हैं, 2 बार यूज़ करा तो नहीं अभी ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया, अरे फ़र्क तो आपको पहले यूज़ में ही मिलना ही है। आप एक बार इसको यूज़ करेंगे उसके बाद ही आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। पर जैसे मैंने इसको रोका है, ख़त्म करा है, कंट्रोल में है ये, इतना हो सकता है क्या पता है इस गर्मियों में फिर से मैं इस रेमेडी को यूज़ कर लूँ एक बार महीने में, पर देखो ना ख़त्म हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा ख़त्म, पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। ख़त्म मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि कभी कभार मुझे भी डैंड्रफ दिख जाता है, तब मैं ये शैम्पू 1 ड्रॉप मिक्स कर लेती हूँ, और इस गर्मियों में अगर मुझे दिखता है फिर से डैंड्रफ तो मैं इस रेमेडी को फिर से यूज़ करूँगी, या महीने में एक बार यूज़ कर लूँगी तो वो भी सफिशियंट रहेगा। पर आप लोगों को ये रेगुलरली यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया है, एटलीस्ट फॉर 2-3 ईयर्स यूज़ करो, हफ्ते में एक बार इस पैक को लगाओ, फिर 6 महीने के बाद 15 दिन में एक बार लगाओ, फिर 1 साल बाद महीने में एक बार लगाओ, पर लगा लो। एक और जरूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना आप इस पे ध्यान देंगे कि अरे डैंड्रफ है यहाँ से ढूंढेंगे ऐसे ऐसे, और जितना दुखी रहेंगे ना उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि उससे भी डैंड्रफ बढ़ जाता है। कई लोग नहीं मानेंगे इस चीज़ को, पर मैंने ये खुद ट्राई करा
क्योंकि जब 2020 के मिड से मैंने इस रेमेडी को यूज़ करना छोड़ दिया और 21 में भी नहीं लगाया, तकरीबन 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गए, 1 साल 8 महीने आप बोल सकते हो मैंने इस रेमेडी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है। और मैं ना धीरे धीरे करते ना मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि यार स्कैल्प पर क्या हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है। जब जैसे एक्ने वगैरह हुए तब मैं थोड़ा सा चेक कर लेती थी, ऐसे में इतना चेक नहीं करती थी, या अगर थोड़ा बहुत आया है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कभी बिल्कुल आया ही नहीं है, इतना आया है कि वो कंट्रोल में था। थोड़े बहुत दिखते थे जब स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए, मैंने शैम्पू नहीं करा इतने दिन तक, अभी भी आप देख लो 5 दिनों तक नहीं करा है, ऑयली हो रहे हैं बाल, पर डैंड्रफ नहीं है मेरे सर पर। तो आप ना जितना ऐसे ऐसे करके देखते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, अरे यार ये हो गया वो हो गया, तो उतनी और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और छोटी छोटी थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे आपने अपनी कोम साफ़ कर लिया, आप हफ्ते में या 10 दिन में एक बार उसको साफ़ कर लीजिए, किसी और की कोम शेयर मत करिए, अपनी सेपरेट कंघी रखिए, अपना पिलो कवर जो है हर शैम्पू के बाद चेंज करिए, और ज़्यादा इतना सोचना नहीं है हाय मैं परेशान हूँ, हाय मैं परेशान हूँ, हाय ये काम ही नहीं करेगा, इसको नहीं करना है ट्राई, प्लीज़ इस रेमेडी को ट्राई करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जिसको भी ये प्रॉब्लम है आप एक बार यूज़ करके देखिए, थोड़े टाइम पर इसका मेंटेनेंस, जैसे हफ्ते में एक बार है, 15 दिन में एक बार है, आप ट्राई करिए, 1.5-2 साल आप इसे यूज़ करेंगे आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। क्योंकि मैंने 17 में इसको यूज़ करा है, 18 में, 19 में भी, मतलब 3.5-4 साल आप लगा लो मैंने इसे यूज़ करा है, 1 साल तो रेगुलरली जैसे 10 दिन में हफ्ते में एक बार लगाया है, और उसके बाद फिर मेंटेनेंस में जैसे 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, आप उस तरीके से इसको यूज़ करिए, डिफरेंस आपको दिखेगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको हेल्प मिली होगी इससे, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना, कॉमेंट करके पूछ लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन अगर होगा मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। और मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लेना, अगर आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना उसकी तरफ और फोकस करोगे ना, मतलब मेंटेनेंस करनी है, रेमेडी यूज़ करनी है, पर ये नहीं ये ठीक ही नहीं होगा, ये नहीं होगा, नेगेटिव मत रहो, जितना नेगेटिव रहोगे कि अरे तो कभी ठीक ही नहीं होगा, मेरी तो लाइफ ऐसे हो गई, ये ऐसे नहीं सोचना, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, ठीक हो जाएगा सब। बाय।